मध्य प्रदेश के दतिया में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंदरगढ़ कस्बे में सरीराह एक दवा कारोबारी एवं संगठन के अध्यक्ष घनश्याम दास अग्रवाल को लूट के इरादे से आए तीन बदमाशों ने गोली मार दी। गोली उनके सीने में लगी है। प्राथमिक उपचार के बाद कारोबारी घनश्याम दास अग्रवाल को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर कर दिया गया। खास बात यह है कि दतिया दवा संगठन के अध्यक्ष घनश्याम दास अग्रवाल अपने कार ड्राइवर तारिक खान के साथ इंदरगढ़ में वसूली के लिए गए थे। वह दतिया में दवाइयों के थोक कारोबार करते थे और संगठन के अध्यक्ष भी हैं। कारोबारी के ड्राइवर तारिक खान के मुताबिक घनश्याम दास अग्रवाल रविवार को दोपहर में इंदरगढ़ कस्बे में आए थे, जहां उन्हें कारोबार संबंधी कार्यवाद बाबरी सरकार मंदिर के दर्शन कर बाहर निकलते ही बदमाशों ने घेर लिया। छीना झपटी के बीच उन्हें बदमाशों ने गोली मार दी। ड्राइवर उन्हें अस्पताल लेकर भागा। इंद्रगढ़ थाना TI उपेंद्र दुबे, थाना टीम एवं पुलिस अफसर मामले की गंभीरता देखते हुए तुरंत ही मौके पर पहुंचे। उन्होंने बदमाशों के सुराग के लिए CCTV कैमरे के फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। हमारे पास जो पेशेंट आया था इंद्रगढ़ से रेफर होके, है ना, उनका क्या है, गनशॉट पे है और पीछे से उनको गोली लगी हुई थी, स्थिति काफी गंभीर थी। उनका हमने यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट करके और ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया था, एक्सरे वगैरह सब करवा के, और स्थिति गंभीर थी उनकी।